राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ता पंचायत स्तर पर वहां के स्थानीय महिला मंडल, युवक मंडल, धार्मिक संस्थाएं संस्थाओं का सहयोग लेते हुए धन संग्रह करेंगे। राम जन्मभूमि जो निर्माण का है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ता पंचायत स्तर पर वहां के स्थानीय महिला मंडल, युवक मंडल, धार्मिक संस्थाएं संस्थाओं का सहयोग लेते हुए धन संग्रह करेंगे। राम जन्मभूमि जो निर्माण का है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है और जो आज मकर संक्रांति का पर्व है, सभी प्रदेशवासियों को इसको हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी को विदित है, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्य आरंभ हो चुका है। इसमें सभी हिंदू समाज का सहयोग हो, सभी का अंशदान इस जन्मभूमि में निर्माण के लिए लगे, उसके लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र द्वारा विश्व हिंदू परिषद को अधिकृत किया गया है। विश्व हिंदू परिषद आज ही के दिन से मकर संक्रांति से 27 फरवरी माघ पूर्णिमा तक पूरे देश में यह अभियान चलाएगा। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनाव के कारण जो हमारा संगठनात्मक जिला दाड़लाघाट है, धन संग्रह का अभियान 25 जनवरी से शुरू होगा। इसमें जो हमारा दाड़लाघाट जिला है, इसमें 5 खंड और 2 नगर है, उसमें 118 पंचायतें हैं, जिसमें जिला स्तर पे, खंड स्तर पर संयोजक, सह संयोजक, कोष प्रमुख, कार्यालय प्रमुख और साहित्य प्रमुख, ऐसे 5 लोगों की टोली का गठन किया गया है। इसी तरह पंचायत स्तर पर भी ऐसी टोलियों का गठन किया गया है जो सभी पंचायतों में जाकर धन संग्रह करेंगे। इसमें विश्व हिंदू परिषद के साथ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ता पंचायत स्तर पर वहां के स्थानीय महिला मंडल, युवक मंडल, धार्मिक संस्थाएं संस्थाओं का सहयोग लेते हुए धन संग्रह करेंगे। राम जन्मभूमि जो निर्माण का है, उसमें जो राम भक्त है वो जो भी स्वेच्छा से धनराशि देंगे वो स्वीकार की जाएगी। इसमें 10 रुपए के कूपन, 100 रुपए के कूपन और 1000 के कूपन उपलब्ध करवाए गए हैं राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा। और उससे ऊपर जो राशि कोई देना चाहता है, 10,000, 50,000, लाख, तो वो भी चेक के माध्यम से वो राशि दे सकते हैं। उसमें आयकर अधिनियम 80G के तहत 50% तक आयकर में उसको छूट मिलेगी। साथ में जो पंचायत स्तर पर टोलियां बनाई गई हैं, उसमें एक उनके ऊपर एक डिपॉजिटर बनाए गए हैं, क्योंकि इसमें धन का मामला है, तो उसको पारदर्शिता दिखाने के लिए, बनाए रखने के लिए जो डिपॉजिटर बनाए गए हैं उनको राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा एक कोड दिया जाए।